चेन्नई में 91 रुपए 19 पैसे और 84 रुपए 44 पैसे, बेंगलुरु 91 रुपए 97 पैसे। जो दम भरते हैं कि वो सुथरी और साफ सरकार चलाते हैं, वो चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं? ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। आज इस वीडियो में बात जनता की जिंदगी से जुड़े एक अहम हिस्से की करेंगे, वे है पेट्रोल और डीजल। देश में पेट्रोल डीजल के दाम रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। किसी किसी जगह ये आंकड़ा 100 रुपए प्रति लीटर भी पार कर चुका है और कई जगह ये आंकड़ा 100 रुपए पार करने की तैयारी में है। वीडियो की शुरुआत मोदी जी के एक पुराने बयान से करते हैं, जिसमें वे पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर यूपीए सरकार पर तंज कस रहे थे। रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बारे में न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी ने अपनी डिबेट के जरिए बात की। आप भी देख लीजिए किस जगह क्या कीमत है। पेट्रोल डीजल के दाम क्या है? दिल्ली में 88 रुपए 99 पैसे, 89 रुपए मान लीजिए, 79 रुपए 35 पैसे डीजल। मुंबई 95 रुपए 46 पैसे पेट्रोल, 86 रुपए 34 पैसे डीजल। चेन्नई में 91 रुपए 19 पैसे और 84 रुपए 44 पैसे। बेंगलुरु 91 रुपए 97 पैसे। कोलकाता का भी हमने दिखा दिया, 90 रुपए 25 पैसे। और अभी ये आंकड़े तो ऊपर चलते रहेंगे। जयपुर में 95 रुपए 44 पैसे पेट्रोल, 87 रुपए 69 पैसे डीजल। और भोपाल में कीमतें इस वक्त सबसे ज्यादा 96 रुपए 96 पैसे, यानी कि शतक लगाने के कगार पर है। देश में आज जो भी सरकार की आलोचना करते हैं उन्हें देशद्रोही बता दिया जाता है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब आज की सत्ताधारी पार्टी के नेता उस समय की सरकार की आलोचना करते थे। अब आप भाजपा सरकार के बड़े नेताओं के पुराने बयान सुनिए, जिसमें वे यूपीए सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ये बयान तब के हैं जब देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत $105 प्रति बैरल थी और पेट्रोल के दाम 71 रुपए प्रति लीटर थे, जबकि आज कच्चे तेल की कीमत $59 प्रति बैरल है और पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर के आसपास हैं। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को देख मनमोहन सरकार के खिलाफ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने साइकिल यात्रा निकालने का फैसला किया था। एक इसमें लोकतंत्र में प्रकाश जी प्रतिरोध करना हमारा अधिकार है, तो जनता की पीड़ा को आज इसके माध्यम से उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप डीजल बढ़ा रहे हैं, बस का यात्रा बढ़ेगा, मतलब सब्जी अनाज सबका जो आवागमन हो महंगाई बढ़ेगी, तो ये एक परेशानी है और ये सरकार सुनती नहीं है और विदेशी कंपनियों के दबाव में FDI ले आई है। अभी अभी पार्लियामेंट आप लोगों ने चलने नहीं दिया, अब आप सड़क पर उतर रहे हैं, क्या ये लगता है कि इसका असर यूपीए सरकार पर होगा? हमारा नारा है संसद से सड़क तक, इसलिए मैं आपके साथ सड़क पर हूँ। भारत बंद जो देश में अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। जहां तक यूपीए सरकार का सवाल है, यूपीए सरकार इतनी उदासीन है, इतने अहंकार में है कि वो जनता की सुनती नहीं, तो जब जनता को वक्त मिलेगा तो वो उनको खूब सुनाए। इतना ही नहीं, भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने भी बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। मुझे लगता है कि आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर देश की जनता और खुदरा व्यापारी स्वेच्छा से इस भारत बंद में जब अपना योगदान दे रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई संदेश कांग्रेस पार्टी के लिए केंद्र में नहीं होगा। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि आप कोयला आवंटन मुफ्त में अपने सगे संबंधियों को क्यों कर रहे हैं? आप इस कोयले के ब्लॉक को ऑक्शन क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री जिस कोयला मंत्रालय के खुद इंचार्ज थे,
जो दम भरते हैं कि वो सुथरी और साफ सरकार चलाते हैं, वो चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं? आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे, फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर सरकार की आलोचना की। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगने दाम क्यों है? मुझे लगता है यूपीए सरकार जनता से पूरी तरह से कट चुकी है, पूरी तरह से असंवेदनशील हुई है। ऐसी संवेदनहीन सरकार हमने कभी नहीं देखी कि लूट कर रही है घोटाले करके और दरों में बढ़ोतरी करके। आजकल सरकार की तरफ से इन कीमतों के बढ़ने की वजह कोरोना को बताया जा रहा है, लेकिन कोरोना तो पूरी दुनिया में है। हम अपने पड़ोसी देशों में भी पेट्रोल के दामों पर नजर मार ही लेते हैं। ये सभी कीमतें हम इंडियन रुपए में बताएंगे। बांग्लादेश में इस समय 76 रुपए लीटर है, पाकिस्तान में 50 रुपए लीटर है, नेपाल में 69 रुपए लीटर है, चीन में 74 रुपए लीटर है और हमारे देश में पेट्रोल की कीमतें 90 रुपए प्रति लीटर के पार जा चुकी हैं। जब संसद में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस सब के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप खुद ही सुन लीजिए। माननीय सभापति महोदय, चूंकि किसानों की आज ऐसे दूनी करनी है, तो चूंकि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं तो उस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो ये पूछना चाहते हैं कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात माननीय मंत्री जी कर रहे हैं, तो नेपाल सीता माता के देश में डीजल पेट्रोल सस्ता है, श्रीलंका रावण के देश में सस्ता है, तो क्या भारत राम के देश में क्या उसकी तुलना में कम करेंगे? सभापति महोदय, पहले से ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, मैं विश्वभर जी का आभार इस प्रश्न को उठाया। क्या अध्यक्ष जी, ऊर्जा पेट्रोल डीजल सभी को देना है या चंद सामंतवादियों को देना है? जिन देशों के नाम उन्होंने लिया, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट सभी के लिए नहीं है। भारत क्या ऐसे अर्थनीति के साथ खुद को तुलना करेगी या विश्व की बड़े बड़े अर्थनीति के साथ खुद को तुलना करेगी? ये फैक्ट एक छोटे कंज्यूमर बेस को उन देशों में देके बड़े लोगों को सस्ते दर पे देना, ये उनकी तरीका हो सकता है। मैं एक कोट आपके माध्यम से करना चाहूंगा, किरोसिन की प्राइस, क्या किरोसिन जो उन देशों में आम आवश्यकता रखती है, भारत और उनके बीच में बहुत अंतर नहीं है। उन्होंने बांग्लादेश की नाम लिया, उन्होंने नेपाल की नाम लिया, बांग्लादेश नेपाल में किरोसिन जब भारत में 32 रुपया है, वहां मास कंजम्पशन की कमोडिटी किरोसिन वहां लगभग 57 और 59 रुपीस में है। जब वहां उस देशों में जो मास कंजम्पशन की चीजें भारत से कई गुना ज्यादा है, जो कम लोगों के लिए है, वहां की बड़े बड़े लोगों के लिए है, बाकी लोगों को देना नहीं है, इसलिए उन लोगों के लिए सस्ता किया है, भारत ऐसे नहीं किया है। पेट्रोल की कीमतों में सरकार कितने रुपए टैक्स के रूप में लेती है, इसके बारे में जानकारी संदीप चौधरी ने अपने वीडियो में दी। तो बेस प्राइस पेट्रोल का कितना है, कितने में पड़ता है हमें? ये 29 रुपए 34 पैसे, डीजल 30 रुपए 55 पैसे, किराया 37 पैसे 34 पैसे, एक्साइज ड्यूटी, अब इस पर गौर कीजिएगा, 32 रुपए 98 पैसे पेट्रोल की। 2014 से अब तक 11 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा चुकी है, 11 बार, दो बार कटौती, 11 बार इजाफा, 31 रुपए 83 पैसे डीजल पर एक्साइज, ये सब केंद्र सरकार के खाते में जाता है। वैट जो राज्य सरकारों के खाते में जाता है, 19 रुपए 92 पैसे पेट्रोल, 11 रुपए 22 पैसे डीजल, तो मतलब 50 रुपए के करीब पेट्रोल पर जो ड्यूटी है वो सरकारों के खाते में जाती है। वो चाहें तो हमारी जेब में भी कुछ पैसा दे सकते हैं, लेकिन वो पैसा देते नहीं। बॉलीवुड स्टार्स भी 2014 से पहले पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर काफी ट्वीट करते थे। अमिताभ बच्चन ने साल 2012 में इस मुद्दे पर तंज करते हुए ट्वीट किया था, पेट्रोल 7.5 रुपए बढ़ गया तो पंप अटेंडेंट कितने का डालूं, मुंबई कर 2-4 रुपए का कार के ऊपर स्प्रे कर दे भाई, जलाना है। अक्षय कुमार ने अपनी ट्वीट में लिखा था,
दोस्तों, मुझे लगता है कि अब अपनी साइकिल साफ करके उसे रोड पर चलाने का वक्त आ गया है। सूत्रों की माने तो जल्द ही एक बार फिर पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। अनुपम खेर ने 14 अक्टूबर 2012 को ट्वीट में लिखा था, मैंने अपने ड्राइवर से पूछा, तुम लेट क्यों हो? उसने कहा, सर साइकिल से आया। तुम्हारी मोटरसाइकिल को क्या हुआ? सर, वो घर में शोपीस की तरह रखी हुई है। अब ये सब एक्टर कहाँ पर हैं, जो तब की सरकार का तो मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन अब जब पेट्रोल 90 रुपए प्रति लीटर से पार कर चुका है तो उनकी तरफ से इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं आता। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की ओर ध्यान देगी और कीमतों को कम करने की कोशिश करेगी, ताकि आम आदमी पर कम से कम बोझ पड़ सके। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।